वीडियो का टॉपिक देख के काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज कुछ उन्हें नया बताने वाला हूँ, या कोई ऐसा शॉर्टकट, या कोई ऐसा वर्कआउट, या कोई ऐसी डाइट सप्लीमेंट बताने वाला हूँ जिससे वो अपनी बॉडी का फेस फैट कम कर सके। ऐसी ये हमारा जो चबी फेस है, ये मतलब आजकल ट्रेंड में नहीं है। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है लीन फेस, लीन बॉडी। मतलब काफी ज्यादा लोग लीन बॉडी की तरफ वो फोकस रखते हैं। ये आया कहाँ से? सब ये सब हमारा सेलिब्रिटीज़ वगैरह से आया है, जो हम टीवीज़ वगैरह पे देखते हैं, हम इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सब वहाँ से आया है। चबी फेस होना कोई बुरी बात नहीं है, एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं कि आपका चबी फेस है, और वो बेवकूफ़ बनते हैं लोग, वो वीडियोस बनाते हैं, प्लस आपको प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, या अपना वो प्रमोशन करते हैं कि आप हमारी चीज़ खाओ, या ये फैट बर्नर, या ये खाओ, इससे आपका फेस फैट रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहली बात, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप एक सिंपल सी चीज़ सोचो, आप खाना खाते हो, आपकी पूरी बॉडी को लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आपने एक अंडा खाया तो वह सिर्फ आपके लेफ्ट आर्म को लगेगा, या राइट आर्म को लगेगा, या लेफ्ट लेग को लगेगा, या राइट लेग को लगेगा। वो पूरी बॉडी को प्रोटीन देता है। वैसे ही जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी से फैट रिड्यूस होता है। बॉडी में हमारा फेस भी आता है, हमारा टमी भी आता है, हमारे हिप भी आते हैं, हमारे ग्लूट्स भी आते हैं, हमारी लेग्स भी आती है, सब कुछ आता है। तो वैसे ही फेस स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम्स एरियाज होते हैं फॉर श्योर, हर किसी में, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। मेल के प्रॉब्लम्स एरिया होते हैं, उनका टमी बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे फैट स्टोर हो जाता है। एंड फीमेल्स के होते हैं, उनके बॉटम्स, उनके लेग्स, उनके ये आर्म्स के नीचे ट्राइसेप्स वाले, ट्राइसेप पे, यहाँ उनके ब्रेस्ट पे, उनके वहाँ पे फैट स्टोर होने की मतलब फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए कुछ अलग नहीं करना, वर्कआउट करते रहना है, यहाँ से भी फैट जाएगा। इन्हें प्रॉब्लम एरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ से फैट जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? तो आपको कुछ अलग नहीं करना। वैसे ही फेस के लिए भी अगर आप वर्कआउट करोगे, आपकी पूरी बॉडी से जाएगा, तो फेस से भी जाएगा फैट। इसके लिए आपको अपने शीशे के आगे खड़े होकर ऐसे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इससे अच्छा, बेवकूफ़ों वाली शक्लें बनाने से अच्छा, अगर आप 3 से 4 सेट स्क्वाट्स करो या डेडलिफ्ट करो, वो आपकी ओवरऑल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, फैट लॉस करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। ये बेवकूफ़ बनना छोड़ दो कि स्पॉट रिडक्शन हो सकती है। स्पॉट रिडक्शन कहीं भी नहीं हो सकती। कोई सप्लीमेंट्स, कोई क्रीम, कोई जेल एंड कोई वर्कआउट आपके फेस का फैट नहीं हटा सकता। पूरी बॉडी का फैट जाएगा तो फेस का फैट भी जाएगा। एंड आप अपने फेस का कट का वो जानने की कोशिश करो कि किसी का वी होता है, किसी का यू होता है, किसी का स्क्वायर शेप में होता है, किसी का पोस्ट, मतलब अलग अलग हर किसी के होते हैं। तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वर्कआउट करो, हेल्दी रहो, डिसिप्लिन में रहो, अच्छा खाओ, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो। ओवरऑल बॉडी से भी फैट जाएगा एंड आपके फेस से भी फैट जाएगा। स्पॉट रिडक्शन किसी की नहीं हो सकती, ना आज तक हुई है। जो आपको ये बोलते हैं ना कि ये करो इनसे ये हो जाएगा, आपका कुछ हो जाएगा, उनको सबसे पहले जाके बोलो, सर ये आपने पढ़ा कहाँ से है, सर ये आपने देखा कहाँ से है, या सर ये मेरे को बता दो आपने इसके मतलब इस एक्सरसाइज से किसका फेस वो फैट रिड्यूस करवाया है। वो चुप हो जाएंगे। जो यूट्यूब से वीडियो डालते हैं कि आप ये कर लो आपका फेस फैट रिड्यूस हो जाएगा, या ये कर लो आपका वो हो जाएगा, उनके नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछो क्वेश्चन उनसे कि आपने किसका करवाया है, या किसका हुआ है फेस फैट कम आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज या स्पेसिफिक डाइट से। तो आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको राइट आंसर और अवेयरनेस मिलेगी। कॉमन सेंस और रिसर्च के बेसिस पर आप खुद को अवेयर करो, ये बेवकूफ़ बनना छोड़ दो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ, देन मेरे को सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है अगेन। चलो, थैंक यू।